का रोल प्ले कर रहा हूँ तो इसलिए ऐसा परिधान है, और एक्टर अच्छे दिखते ही हैं तो एक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो अच्छे ही दिखना चाहिए, थोड़ा रंग बिरंगा भी होना चाहिए। तो क्या करते हैं, किस तरह किरदार इस फिल्म में, और एक विषय बताइए कि क्या है विषय? एक बड़ी पारिवारिक स्टोरी है, लेकिन एक कैरेक्टर की ऐसी मेंटालिटी है जिसमें आज की डेट में हम लोग अब शादीशुदा जिंदगी एक होती है जो आम जिंदगी होती है, और उसमें आप बोलते हैं ना बुद्धि तो लगाते हैं लेकिन विवेक नहीं लगाते हैं। तो जब विवेक नहीं लगाते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर बैठे हैं, क्योंकि आपको बोलते हैं ना कि रोमांस वो होना चाहिए जिसमें अधिकांश लोगों को अच्छा लगे। आपके रोमांस से आपको तकलीफ़ हो जाए या आपके सामने वाले को तकलीफ़ हो जाए या आपकी वजह से किसी तीसरे को तकलीफ़ हो जाए, इसको रोमांस नहीं कहते हैं, ये किलर रोमांस होता है। तो आई थिंक ये फिल्म जो है वो एक रोमांस की वो मानसिकता को दर्शाता है जिसमें हम बोलते हैं ना कि एक जगह टिक नहीं पाते हैं, एक जगह नज़र होती है तो दूसरी जगह निशाना होता है, उसको जो है एक मीनिंगफुल तरीके से एक मैसेज के रूप में आप लोगों को दिखाने की कोशिश है। सर ये भी जानना चाहूँ कि आपने करियर में बहुत बड़े निर्माता निर्देशक के साथ काम किया, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, जब कोई फिल्म का ऑफर आता है तो चुनाव किस आधार पर करते हैं फिल्म का, कोई प्रोजेक्ट का जो बैनर होता है या डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो मायने रखता है आपके लिए? नहीं देखिए, मैं लकी हूँ कि मुझे हर तरीके के निर्माता निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला है और मिल रहा है, और मैं भी कभी नया ही था, मुझ पर भी किसी ने बिलीव ही किया था, तो मुझे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ अच्छी लगती है, कभी कभी लेंथ अच्छी लगती है, तो कोशिश करता हूँ कि कैरेक्टर अगर अलग मानसिकता का है तो वो डायरेक्टर पुराना है या नया है मैटर नहीं करता, लेकिन कंटेंट बहुत मैटर करता है, तो कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको करने की कोशिश करता हूँ। और सर हास्य कलाकार होना भी इतना आसान काम नहीं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, और आज के दौर में आप देख रहे हैं रियलिटी शोज वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, जितने रियलिटी शो आते हैं हास्य को लेकर क्या समझते हैं आप, कितने लॉजिकल हैं या कितना हेल्प करते हैं जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको, क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता ही नहीं क्या हास्य होता है क्या ट्रेजेडी होती है, मैं तो कला का आकार बहुत बड़ा समझता हूँ, मुझे लगता है कला का आकार इतना बड़ा है और हम लोग सब उसके स्टूडेंट हैं, जो भी करते हैं मनोरंजन के लिए करते हैं, उसमें जो निकल जाए लोगों को अच्छा लगे बस वही कला समझता हूँ मैं। सर आपके व्यक्तित्व को कोई ऐसा पहलू जो आम लोग नहीं जानते हैं, मतलब अभिनेता हैं निर्माता ही बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसा कार्य जो आप कर रहे हों जो आप बनाना चाहें या करने की इच्छा रखते हो आगे चल के? रियल लाइफ में बहुत गंभीर हूँ, इसलिए गंभीरता से कॉमेडी की और गंभीरता से ही जो है एक्टिंग की है। और अभिनय के अलावा सर और कोई रुचि रखते हैं आप जिसको आप करना चाहेंगे आगे चल के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी रुचि रखते हैं अभिनय के अलावा भी है और काफ़ी सारे योगदान भी करते हैं हर तरीके से, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सेवा करूँगा, सेवा अभिनय और सेवा दो ही चीज़ें हैं, तो बोलते हैं ना 200 दिन शूटिंग करेंगे तो 100 दिन देश की कुछ सेवा करेंगे। और इस प्रोजेक्ट के अलावा और प्रोजेक्ट में काम करने से 6-7 फिल्में हैं जिसमें मुख्य भूमिकाएं हैं, 3-4 सपोर्टिंग भूमिकाएं हैं। तो जो दिल के कोई करीब ऐसा रोल है जो डिस्क्लोज करना चाहेंगे? सारे दिल के कोई फेवरेट सर कुछ किरदार होते हैं जो दिल के करीब होते हैं? नहीं, एक कैरेक्टर है जो अभी द ग्रेट जलंधर है, अच्छा, उसमें एक मारुति का रोल है, वो उसको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जीने के लिए, उसकी प्लानिंग चल रही है। हमसे देश की राजनीति पे बात करिए, हम देश के अभिनेता हैं और राजनीति हमारे लिए सेवा है, बाकी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने बताया ना कि अगर एक महीने में 8 दिन सलाह करेंगे तो 3 सप्ताह काम भी करेंगे, तो 12 महीने होते हैं, 12×96, तो कोशिश करूँगा कि जो है 100 दिन देश के अच्छाई के लिए सलाह मशविरागिरी से, कि मशविरागिरी तो करते ही हैं, तो कोई ऐसी अच्छी मशविरागिरी करें जिसमें कुछ देश की सेवा हो सके, वही हमारे लिए राजनीति है। आए दिन तमाम घोटाले हो रहे हैं देश में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या हो? कहीं दूध नालियों में बहता कहीं पानी की भी पूर नहीं। तो 2019 में आपके कुछ MP देखने को नजर आएंगे? पूरी कोशिश करूंगा, 2017 में पार्टी की नींव रखी है, अभी तो पार्टी बिल्कुल बच्चा है, उसको अभी पानी डाल के सींच रहा हूँ, और 2019 में कोशिश करूंगा कि पार्टी की स्थापना हो जाए। कितने प्रदेश में कैंडिडेट लड़ाने की सोच रहे हैं?
जितने मिल जाएंगे, जितने निर्दलीय होंगे वो हमारे सब कैंडिडेट होंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राजपाल यादव की पकड़ जो है उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत है, उत्तर प्रदेश के सारे लोकसभा पे जो है आपके प्रत्याशी होंगे। अब देखिए कहाँ प्रत्याशी होंगे, कैसे होंगे, लेकिन राजनीति में कूद चुका हूँ तो राजनीति सेवा के रूप में 10 साल बाद ही पूछोगे तो उसमें हिसाब दूंगा कि हमने राजनीति में सेवा के लिए क्या क्या किया। महागठबंधन में अगर शामिल करने के लिए आपको बुलाया गया तो शामिल होंगे या फिर भाजपा में ज्वाइन होना चाहेंगे? जहाँ प्यार मिलेगा, जिस घर में प्यार मिलेगा वहाँ बैठ जाएंगे, और जहाँ प्यार नहीं मिलेगा तो अकेले चल देंगे। थैंक यू। उत्साहित तो बहुत हूँ मैं, और आज हमारा पहला दिन है शूटिंग का, पहला दिन है और हम गाने से शुरुआत कर रहे हैं फिल्म की। आइटम सॉन्ग की शूटिंग है, राजपाल जी के साथ मेरा आइटम सॉन्ग है, प्लस इस फिल्म में मैं काफ़ी सारे मेरे रोल्स भी है जो हम आगे और 2-3 दिन में शूट करने वाले हैं। तो राजपाल जी काफी मजे हुए कलाकार हैं, कॉमेडी काफी अच्छा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? मैं तो उनसे पहली बार काम कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। अभी तक हमने, अभी तो ब्रेक हुआ है हमारा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, शूटिंग स्टार्ट होगा तो फिर देखते हैं क्या समझ आएगा। तो ये जो आइटम सॉन्ग है कितना प्रभावित करेगा दर्शकों को जब ये पर्दे पे आएगी फिल्म, कितना ज्यादा यूएसपी रहेगा? आइटम सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, इसे इसके एक सिग्नेचर लाइन ये है कि पिंकी की नौटंकी चालू हो गई। बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग है, जैसे कि अपने जैसे मुन्नी है, जिस टाइप के इंडियन सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा। और मैम इस प्रोजेक्ट से पहले कौन से प्रोजेक्ट में काम किया आपने, आगे कोई प्रोजेक्ट करनी है इसके अलावा? आगे तो करेंगे, कर रहे हैं, और के पहले भी मैंने टी सीरीज के लिए म्यूजिक वीडियोस किए हैं, अच्छा। साउथ के लिए फिल्में करी है, ओके। और मैंने हैदराबादी फिल्म की हुई है, ऐसे कर रहे हैं जी। इस समाज को बहुत सारा मैसेज देना था, और हमारे फिल्म में जो है बहुत सारे समाज के लिए मैसेज हैं, और समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हमारे फिल्म में बहुत सारे मैसेज दिए गए हैं जगह जगह पे, सब बहुत सारे जातिवाद पे हैं, समाज में बहुत सारे आडंबर हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो समाज के, जो इस फिल्म के द्वारा दर्शकों तक पहुँचाया जाएगा, और कुछ चैलेंजिंग रोल भी हैं इसमें। तो राजपाल जी को लिए इस फिल्म में क्या करना चाहेंगे, राजपाल जी का जो कलाकार के तौर पर व्यक्तित्व कितना प्रभावित करता है आपको? नहीं, राजपाल जी के विषय में तो अब हम लोग क्या कहेंगे, हमारी ये पहली फिल्म है, राजपाल जी को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है ना, और उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, जो कैरेक्टर उनको दिया जाता है उस कैरेक्टर को बेहतर तरीके से उन्होंने किया है, और वो परिचय के मोहताज नहीं है, और उनको जो भी कैरेक्टर है इसमें पर्दे पे दिखाया जाएगा और जनता इसको लाइक करेगी। तो दाएं बाएं दोनों तरफ दो खूबसूरत हीरोइन बैठी हैं, इनके तारीफ में कुछ बोल दीजिए। कहीं ना कहीं आप भी एक्टिंग कर रहे हैं इस मूवी में। इनकी तारीफ क्या किया जाए, इनकी तारीफ तो जनता खुद करेगी। अच्छा। और तारीफ के काबिल भी हैं, इनकी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। अच्छा। और आप लोग भी जानते ही हैं, खूबसूरती दोनों तरफ है तो क्या दिक्कत है, जनता तो पसंद जी। हमारा रोल जो है वो राजपाल जी के विपरीत है, और मेरे साथ मोनिका जी हैं उस फिल्म में, हमारे साथ काम कर रही हैं, हमारे साथ इनका रोल है, और जो हम लोग को चैलेंज है उसको हम लोग पूरा करेंगे, राजपाल जी के लिए जो है उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू वर्क विद माय डायरेक्टर सर एंड माय प्रोड्यूसर एंड ऑल द टीम इज सुपर। एंड इसमें मेरा जो किरदार है वो श्वेता का रोल मैं इसमें प्ले कर रही हूँ, जो कि राज जी जो हैं उनके ऑपोजिट हैं, मतलब उनका शायद आई गेस सर क्या कहना चाहेंगे, लव ट्राइंगल, राइट? आई एम राइट, राइट? सो लव ट्राइंगल है, और
आई थिंक सो एंड आई होप कि एकदम सुपर और बहुत मजा आने वाला है काम. लव ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल है, तीन एंगल कौन कौन? लव ट्राइंगल में जो सर हैं ये आएंगे और हम हैं और एक राजी हैं. तो आप निजी जिंदगी मोहब्बत है कि ये तो बहुत ही निजी सवाल कर लिया आपने. आई गेस प्यार के बिना, प्यार के बलबूते पे ही दुनिया टिकी है और टिकी भी रहनी चाहिए. सो आई थिंक लव इज ब्यूटीफुल एंड दैट्स इट. तो राजपाल जी का नाम बताइए, इतने वेटरन कलाकार के साथ काम करके ऑब्वियसली बहुत मजा, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है मुझे. आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं इतने जो अच्छे एक्टर हैं, मतलब यू नो जो शायद काम करने में भी मतलब ही इज मतलब परफेक्ट, इतना अच्छा, ही इज अ वेरी गुड एक्टर. सो उनके साथ काम करने में तो ऑब्वियसली आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम नाउ. कुछ घबराहट हो रही है उनके साथ? घबराहट तो नहीं हो रही है क्योंकि वी आर एक्टर्स एंड पहले भी मतलब आई हैव वर्क विद नरेंद्र झा जी जो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं रहे. मैंने उनकी फिल्म उनके साथ की थी विराम एंड सर्टन दूसरी फिल्म भी अब की है मैंने अभिमन्यु सिंह और प्रशांत नारायण उनके साथ. तो ऐसा कुछ नहीं है घबराहट वाला, बट इट्स जस्ट की आई एम एक्साइटेड टू वर्क विद देम, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ और आपके? हाँ, मेरी एक फिल्म तो ऑलरेडी रिलीज है विराम, और एक फिल्म मैं कर रही हूँ एनकाउंटर अपोजिट अभिमन्यु सिंह एंड प्रशांत नारायणन. एंड आई हैव डन लॉट्स ऑफ पंजाबी एल्बम भी मैंने किए हैं. टी सीरीज का भी तोशी साबरी के साथ में मेरा एक सिंगल आया था. एंड आई हैव डन लॉट्स ऑफ राजस्थानी प्रोजेक्ट्स ऑल्सो प्रीवियसली. एंड श्री अधिकारी ब्रदर्स के साथ भी मैंने बहुत सारे एड कैंपेन किए हैं. और मुझे एक्टिंग में सिर्फ ग्लैमरस ही करना नहीं मतलब नहीं पसंद है मुझे. एक्चुअल में मैं आई वांट टू डू सम यू नो कुछ हटके. तो इसीलिए मैंने एक कैंसर अवेयरनेस का कैंपेन भी किया था जिसमें मेरा एक भी बाल नहीं था सिर पे. सो इट वाज वेरी एक्साइटेड, वो भी बहुत अच्छा था. हाउ गुड इज बॉलीवुड अभी तक, कैसा अनुभव रहा है बॉलीवुड? क्योंकि ज्यादातर लोग का अनुभव अच्छा भी रहता है बुरा भी रहता है, आपका अनुभव कैसा? एक्सपीरियंस देखो ये डिपेंड करता है यू नो कि आपका सर्कल क्या है, आप किन लोगों के बीच में हो, यू नो आपको गाइड करने वाला कौन है. हमारे डायरेक्टर सर हमें मिले हैं राइट, सो ही इज सच अ नाइस पर्सन. अब आपको जब ऐसे ऐसे हैं अपने साथ यू नो अपने साथ लेकर जाने वाले, तो आपको बहुत ही यू नो आपके लिए इजी हो जाता है वो सब चीज़ें करना. एंड माई सेल्फ आई एम अ डॉक्टर, सो मैं डेंटल सर्जन थी पहले. सो मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ के मैं इस फील्ड में आई हूँ. सो मेरे लिए तो बहुत ही यू नो बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही मज़ेदार है अभी तक तो. 2 साल का सफर है, दैट्स इट. सारे चैनल को मेरी तरफ से धन्यवाद और आदमी शुभकामनाएं देता हूँ. तो क्या कहना चाहेंगे कि निर्देशक के तौर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस फिल्म का? सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि राजपाल जी अभी मेरे यार इंटरव्यू ले रहे थे. अच्छा. क्लास ले रहे थे. उसके अलावा मैं वो था डिप्रेस में आ गया था. अच्छा. कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कस हो रही थी ना सॉन्ग को लेके, तो परेशान थी. अभी वर्कआउट कर लिया है उसको. तो निर्देशक के तौर पर किस तरह के निर्देशक हैं, क्या आपका मतलब पहलू है, क्या किस तरह का आपका स्ट्रेंथ है? जैसे जो ओरिजिनलिटी होती है समाज में जो घटित होता है उस पर मैं मतलब प्रहार करता हूँ. मैं राइटर भी हूँ तो जिस तरह से समझ लो समाज में जो घटित होता है, जैसे अभी चल रहा है कि दलित और ठाकुरों के बीच में चल रहा है, जातिवाद को लेकर चल रहा है, धर्मवाद को लेकर चल रहा है, तो इस तरह का मेरा मतलब प्रहार रहता है. नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा होना चाहिए. कंट्रोवर्सी होगी तो अच्छा है, कंट्रोवर्सी होगी तभी तो लोग जानेंगे, नहीं तो कौन जाने. जैसे अभी राजजी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला मुझे आपने निगेटिव बना दिया, मुझे निगेटिव रोल दे दिया और मैं आपको निगेटिव लगता हूँ, तो वो सब सारी कंट्रोवर्सी इधर से शुरू हो गई है. राजपाल जी मेरे बीच में होगी. और अपनी एक्ट्रेस के बारे में बताइए, तारीफ कीजिए कुछ. उन एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है. इनका फोटो हमको मोहन जी ने दिखाया. अच्छा. पहली नजर में पसंद आ गई. मोहन जी खुद अभिनेता बनने गए. हां, मोहन जी भी अभिनेता है, बहुत अच्छे आदमी है बेचारे. बहुत इस प्रोजेक्ट में बहुत कॉपरेट कर रहे हैं. अच्छा. यहाँ तक राजपाल जी को भी लाने का इनका ही श्रेय, सारे आर्टिस्ट का. तो इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे भाई की तरह से मुझे सपोर्ट करते रहे. तो कब तक पर्दे पर आएगी और कहाँ कहाँ शूटिंग होने वाली फिल्म के? सर एक तो 3-4 लोकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर है. अच्छा. उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में नहीं जाऊँगा क्योंकि सोच रहा हूँ यही निकाल ये पिक्चर खत्म हो जाए.
ठाकुर का बेटा बना हुआ अच्छा। और मेरा किरदार थोड़ा हटके है और जाकिर हुसैन जी मेरे पिता बने हुए और पिक्चर का नाम है किलर हीरो अच्छा। मतलब टाइटल से पता चलता है कि पिक्चर किस लेवल पे जा सकती है मतलब। और इस पिक्चर से मैं बहुत एक्साइटेड था और मुझे बहुत बढ़िया रोल मिला है। इसलिए राधा श्याम यादव जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया रोल दिए और इसको मैं तय दिल से अच्छी तरह से निभाऊँ। राजपाल जी फिल्म में क्या सीखने को मिलेगा? राजपाल जी से तो मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेंगे। उनका मतलब बचपन से देखा जाए पिक्चर देखते आ रहे हैं और उनसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। सर आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किरदार है और कितने अनुशासित? किरदार तो मेरा एक गांव जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच से मेरा किरदार है। नाम नहीं डिसाइड किए हैं अभी, दादा जो राधेश्याम जी हैं उनके जरिए हम यहाँ पे आए हुए हैं तो उन्होंने हमको दिया है। किरदार अभी निर्धारित नहीं किए हैं और अच्छे लोगों के बीच में आए तो कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे राजपाल जी के साथ में काम करने को मिला है तो उनसे कुछ सीखने को हम जो है मिलेगा। आप सर बताइए। देखिए मेरा तो ये फर्स्ट फिल्म है और मेरा कॉलेज का सीन है अच्छा। तो अभी तो मैं फर्स्ट ही कर रहा हूँ अच्छा। तो मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरी पहली फिल्म है। राजपाल कभी के साथ बड़े एक्टर हैं उनके साथ अभी पहली फिल्म है तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आगे चल के भी हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे और इस फिल्म में भी हमें कामयाबी मिलेगी क्योंकि जो इसकी स्टोरी है काफ़ी अच्छी है और लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं एक इंस्पेक्टर का रोल अदा कर रहा हूँ जिसमें राजपाल जी मिलकर के प्यार में पल करके अपनी बीवी की हत्या कर देते हैं जिसकी मैं छानबीन कर रहा हूँ अच्छा। और तो कितने उत्साहित हैं राजपाल जी जैसे कलाकारों के साथ काम करने का? देखिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू दिस फिल्म बिकॉज दैट इसमें राजपाल जी हैं जो कि वो खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है और उनके साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, मैं बेसिकली यूपी से हूँ और ये बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और मैं सबसे पहले तो अपने प्रोड्यूसर साहब को धन्यवाद दूंगा, माननीय परम भादरड़ी हमारे डायरेक्टर साहब श्री राधेश्याम यादव जी को धन्यवाद दूंगा जो उनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ पहुँचे एक बहुत बड़ा काम करने के लिए। जो मेरा करेक्टर है वो चूँकि हम यूपी से बेसिकली यूपी से मैं हूँ तो वहाँ इस चीज़ का मतलब जो चीज़ चल रहा है मैं दलित का रोल कर रहा हूँ जो बहुत ही समाज में चैलेंजिंग रोल है और आज मैं जब से बचपन से आज तक मैं देखता आ रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे होता है सो नो डाउट बहुत चैलेंजिंग रोल है उसको मैं कर रहा हूँ सर।